वापस आ जाओ। लास्ट टॉपिक आपने थ्योरी की शीट का जो कर रहे थे अभी, इक्वी पोटेंशियल के बाद ये ओपन करो। ठीक, देखो तो इसमें एक टॉपिक है एनसीईआरटी का टॉपिक है प्योर, और इसमें से ये क्वेश्चन आएगा वर्क टर्न या फिर शो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ, ये टॉपिक पहले भी कुछ सुना हुआ है प्लस वन में। कौन से टॉपिक में? वर्क 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 में। क्या टॉपिक था? हाँ, कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव। तो ग्रेविटी अगेंस्ट अगर हम काम करते हैं और एक पत्थर को उठाते हैं ए से बी पोजीशन पे, चाहे ऐसे ले आओ चाहे ऐसे ले आओ चाहे जैसे मर्जी ले आओ ए से बी पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, आप चार्ज को ए से बी पे ले आओ इस रास्ते से या किसी भी रास्ते से, आपका वर्क डन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ फॉलोड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। ये आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। क्लियर है? तो एनसीईआरटी में आएगा। मैं आपको दो तरीकों से करवाऊंगा, एक एनसीईआरटी का तरीका थोड़ा इंटीग्रेशन बेस्ड है और एक बहुत ही सिंपल तरीका है मेरे पास। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी का मेथड है उसके अंदर आप देख सकते हो, इसमें एक ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि आप ये मान लो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा रहा है, हर तरफ प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज लिया आपने, टेस्ट चार्ज प्लस वन ले लो, क्यू नॉट ले लो, कुछ भी, और उसको उठा के ए से बी तक ले आओ। तो चलो प्लस वन चार्ज ले लेता हूं मैं, उसको ए से बी तक लेके आया मैं, और मुझे प्रूव करना है ये जो वर्क डन है ए से बी पे लाने का, वो आर ए और आर बी पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा वर्क डन निकालूंगा रास्ते में पी क्यू का, स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल वर्क डन ए से बी का आ जाएगा। पी क्यू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ली, तो यहां पर ई की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस वन रख के देख लो क्यू, ये रहा ई वेक्टर, इमेजिन कर लो दिस इज डीएल वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और ई और डीएल में एंगल कितना है, थीटा। इमेजिन कर लो ये आर पोजीशन वेक्टर, इसका आर ए है, इसका आर बी है, जो हमने पार्ट लिया उसका आर है, और ये स्मॉल एलिमेंट ले लो डी आर, इसको सर्कल कर लेना दिखेगा नहीं तो, दिस इज डी आर, एनपी का मतलब है डी आर, डी आर। ठीक है यहां तक? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो शुरू करते हैं फिर। वर्क डन, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ प्लस वन या क्यू नॉट कुछ भी, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के कई तरीके हैं, उनमें से एक ये भी तरीका है, ई वेक्टर डॉट डीएल या डीआर वेक्टर कुछ भी कर लो, इसमें डीएल वेक्टर ले लिया क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, अलोंग डीएल है। क्लियर है? तो अगर मैं ये वैल्यू निकाल दूं, ये वैल्यू निकाल दूं पी से लेके क्यू तक, तो ये प्लस वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं कैरी कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, मेरा वर्क डन माना जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई और डीएल में, ई डीएल कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? क्योंकि ये मेरे पास ई वेक्टर है, ये मेरे पास डीएल वेक्टर है, और एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, थीटा। तो ये वैल्यू आ गई। या फिर E का फॉर्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर DL cos थीटा, क्योंकि यहां पर E क्या होगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q लगाएगा, Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, E की वैल्यू पुट कर दी। इस ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखना, इस छोटे ट्रायंगल में cos थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा इज DR डिवाइडेड बाय DL, चेक करो, cos थीटा इज DR बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ये क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री, तो cos थीटा इज इक्वल टू dr डिवाइडेड बाय dl, या फिर dr इज इक्वल टू dl cos थीटा। तो जहां पर आपको dl cos थीटा दिख रहा है वहां पर आपने क्या पुट कर लेना है, tr। क्लियर है? तो इस पार्ट को देखो कैसे लिखा गया, माइनस ई डॉट डीएल पी से क्यू क्या दे रहा है, वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू,
इसकी वैल्यू को ओपन किया, ई डी एल कॉस थीटा, ई की वैल्यू को पुट किया डीएल कॉस थीटा, डीएल कॉस थीटा की जगह सीधा देखेंगे क्या पुट किया डी आर, करके दिखाया डी आर डीएल कॉस थीटा, तो डीएल कॉस थीटा की जगह डी आर। तो यहां तक क्लियर है? ये वर्क डन कहां से कहां का आएगा, पी से क्यू। टोटल वर्क डन के लिए हमें लिमिट लगानी पड़ेगी आर ए से लेके आर बी तक, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू आर ए से लेके आर बी तक, कोई डाउट इसमें? तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट होगी आर एस टू पावर माइनस टू आर ए से आर बी तक। इसकी इंटीग्रेशन के स्टेप्स देखो जरा क्या करेंगे, इसमें इसके अंदर ये करेंगे माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर माइनस टू डी आर आर ए से लेके आर बी तक, माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी आर ए से लेके आर बी तक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू 1 बाय आर आर ए से लेके आर बी तक, लिमिट्स पुट करेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस 1 बाय आर ए तक। तो आप चेक कर सकते हो आपका फाइनल आंसर आर ए आर बी पे डिपेंड करेगा। आपकी असाइनमेंट में जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा था यहां तक ठीक है, इसको माइनस माइनस कैंसिल भी ठीक है, पर मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाना हटाना भूल गया, ये स्टेप गलत है, ये दोनों स्टेप्स गलत हैं, इसकी जगह ये स्टेप कर सकते हो प्लीज, ये दो स्टेप्स, ब्रैकेट लगाना चाहिए था ना, और मैंने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन भी कर दी और इंटीग्रेशन का साइन हटाना भूल गया, ठीक है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन तो हो गई आर की पावर माइनस वन बाय माइनस वन, ये देखो, पर मैं इंटीग्रेशन का साइन हटाना भूल गया, तो ये स्टेप काट दो, इसकी जगह ये नोट कर लो, ठीक है, समझ में आया ना कहां से करना है। तो ये पूरी लाइन काट दो चाहे वर्क डन, सीधा ये कर दो, एक ही बात है, इसी का ये स्टेप्स नोट कर लेना। ठीक है तक? हाँ है और क्या, ठीक। तो मैं एक लाइन में इसे ठीक करता हूँ। ये ना टॉपिक बड़ा ही अजीब सा टॉपिक है, ये करो वो करो, मैं आपको ना एक आसान तरीके से बताता हूँ, करना वैसे ही इंटीग्रेशन से करना, पर अगर भूल जाओ तो ये उस टाइम के लिए तरीका बता रहा हूँ कि चलो क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े, उसकी जगह ये कर लेना। ये क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, एक पॉइंट ए लो, एक पॉइंट बी लो, ए का पोजीशन वेक्टर आर ए, बी का पोजीशन वेक्टर आर बी, ले लिया। क्यू पॉइंट यहां पर बोलो कितना पोटेंशियल लगाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर ए, और यहां पर क्या लगेगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर बी। मान लो आप एक चार्ज क्यू नॉट को ए से बी पे लेके जा रहे हो, तो वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो वर्क डन इज क्यू नॉट इन टू फाइनल पोटेंशियल 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर ए। तो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड, इससे आसान नहीं हो सकता, हो
हो गया प्रूफ। देखो फर्क क्या है, मैंने वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ऐसे यूज किया, डेरिवेशन क्या यूज करती है, माइनस ई डॉट डी एल, मैं वो नहीं यूज कर रहा, मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो गलत तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी आपने लिख रहे हैं कहीं लिख लो, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर अगर आप भूल जाओ पहला मेथड, तो अगर आ जाए तो पहले मेथड से ही करना, ताकि टीचर भी खुश हो जाए, हाँ एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, ठीक। भूल जाओ आप क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है यार, कम से कम ये तो कर ही सकते हो। वो टेस्ट चार्ज प्लस वन रखा ना, उसमें क्यू नॉट ले लो तो भी आंसर सेम ही आएगा, वो तो टेस्ट चार्ज प्लस वन। एक्चुअली ये मैटर नहीं कर रहा ना, मैटर ये कर रहा है कि फाइनल आंसर आरबी और आरए के ऊपर है, ये चीजें मैटर नहीं कर रही, हमने अपना आंसर कुछ भी निकालना है, आरए आरबी की फॉर्म में निकालना है। बिल्कुल होगा, अच्छा एक इसमें ना सपोज करो ये ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे कैसे, एक चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी पे लेके गए, फिर बी से ए पे लेके गए, तो बोलो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा। जब ए से बी पे लेके गए, ए से बी पे जाने का मतलब बी फाइनल ए इनिशियल, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फिर वापस बी से ए पे लेके गए, तो बी से ए पे जाने का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल उल्टा हो जाएगा, इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो वी ए वी बी कैंसिल हो जाएगा और नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, जीरो। तो यानी कि अगर मैं एक चार्ज को एक पॉइंट से लेके जाऊं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, और घुमा के वहीं ले आऊं, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या माना जाएगा मेरा, जीरो। कोई डाउट इसमें, कंजर्वेटिव में ही लगेगा ये बस। तभी तो ये प्रूफ सही नहीं माना जाता ना, तभी तो इंटीग्रेशन सही मानी जाती है, तभी तो कह रहा हूँ कि प्रूफ आएगा एनसीईआरटी से करना, वो ठीक कह रहा है इंटीग्रेशन, ये तो भूल ही गए, तो या तो मैं तो कह रहा हूँ तो कंजर्वेटिव, वो तो स्पेशल केस चल रहा है ना, वो तो मान गया कि कंजर्वेटिव है, तो अब वो लगा के दिखा रहा है, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक?